गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये मेरी बर्बीना है। देखो आप, है और एक ही प्लांट है, ऐसे इसके रूट्स नीचे नीचे ये एरियल रूट्स, इसमें ये एयर लेयरिंग हो गई है, ये भी एयर लेयरिंग। देखो वैसे ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से, और ये एयर लेयरिंग होके एक प्लांट ये निकल आया, ये निकल आया और एक ये निकल आया, है ना। और ये भी एयर लेयरिंग से ही शुरू हो गई। देखो मैं आपको रूट दिखाऊँ इसके, ये रूट इसके निकल आए, ये दिख रहे हैं आपको, ये है। तो मगर यहाँ से अलग कट कट करके, यहाँ से कट करके लगा दूँ तो ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये देखो ये भी नीचे जा रही है, ऐसे ही इसकी भी एयर लेयरिंग हो गई। अब ये जो बाहर निकल रहा है ना, ये देख रहे हो आप, ये बाहर निकल रहा है, और ये बाहर, ये बड़ा, ये वाला और ये वाला एक साथ लगे हुए थे, ये वाला और ये वाला एक साथ ही रखे हुए थे, ठीक है। तो इसके जो जो ये थी ना, ये देखो आप, ये है, ये वाली इससे टच होती रही। देखो ये यहाँ से टूट गई, अभी मैंने खींच के उतारा है, ये है, यहाँ से टूट गई। तो इसकी जो एक ब्रांच थी, इसकी जो एक ब्रांच थी वो इधर इस पर टच हो गई थी, है। तो इसमें भी ये देखो, ये रूट स्टार्ट हो गई, ये है, ये छोटी छोटी रूट है। और यहाँ पे तो खूब अच्छे से हो गई है, ये भी हो गया। और इसके ये हैं सीड्स, दिख रहे हैं आपको, ये सीड्स हैं इसके। मैं चाहूँ तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकती हूँ। तो आज खाद लगाने जा रही थी तो ये उतारे, यहाँ पे रखे हुए थे ऊपर इस पर। ये मेरे लास्ट ईयर के ही है, नहीं ये मेरे लास्ट ईयर के ही प्लांट्स हैं ये। अब ये ईयर लेयरिंग से ये इधर भी हो गया, अपने आप ही सेल्फ ईयर लेयरिंग हो गई, अपने आप ही हो गया। और मेरा ये नीचे शेड में रखा हुआ था ये वाला, इसकी हालत देखो, कीड़ों ने क्या कर दी है, खा लिया बिल्कुल, है। और ये धूप में रखे हुए थे, यहाँ पे सुबह से धूप आ जाती है ये इस एरिया में, ऐसे वो रखे हुए हैं, लिली रखे हुए हैं, रेन लिली ऐसे यहाँ पे रखे हुए थे। तो ये मुझे उतारने में परेशानी हो जाती थी खींचने में, तो इस चक्कर में इसमें पानी भी लगा तो देती थी, पानी खाद भी पाइप से ऐसे डाल देती थी, दूर से फेंक देती थी खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो आज इसमें इतनी बीड्स वगैरह सब निकाल के फेंकी है मैंने, हमें खाली इसमें बर्बीना ही रहने दूंगी। और ये मैंने कटिंग लगा दी थी, ये गुलदाउदी की, देखो कितनी अच्छी होगी, बढ़िया, रहने दूंगी मैं, इसे निकालूंगी नहीं। पर ये भी देखो, ये ईयर लेयरिंग से स्टार्ट हो गया, ये इसकी ईयर लेयरिंग हो गई। देखो आप, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी ईयर छोटी छोटी, ये वाली, ये, अरे यार, ये छोटे छोटे रूट निकल आई हैं। तो ये एयर लेयरिंग से आराम से हो जाएगी, मैं यहाँ से अगर कट करके अलग लगा, यहाँ से कट कर दूँ और अलग लगा दूँ तो ये अच्छे से एक प्लांट ये बन जाएगा। और ये पिंक शेड है और ये बेबी पिंक है, है? ये मेरा पर्पल है, इसकी तो ऐसी तैसी कर दी, बहुत दुखी कर दिया है कीड़े ने। तो अब ये कल मैंने न्यू वाला वगैरह डाला था, परसों डाला था, हाँ, तो ये थोड़ी सी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, नहीं तो बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। और ये सही रहे क्योंकि ये धूप में थे, तो ये सही रहे, ये ख़राब नहीं हुए। देखो इनके सारे पत्ते लगभग सभी अच्छे ही हैं। इसमें मैं खाद डालने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूँ, ये लास्ट ईयर का मेरा है और कितने अच्छे से चल रहा है। और कोई इतनी स्पेशल केयर नहीं, देखो इसमें भी गुलदाउदी है, ये भी चल रही है, बढ़ रही है, इसमें तो बर्ड्स भी आने लगी है, देख रहे हो, ये बर्ड्स को तो पिंच कर दूँ क्योंकि ये ऊपर रहते हैं, तो मुझे इसमें भी बर्ड्स आ रही हैं। अभी फ्लावरिंग के लिए तैयार ही नहीं है, ये इतने छोटे प्लांट्स में फ्लावर कैसे आएंगे, तो मैं इसे पिंच कर दे रही हूँ, तभी नीचे से और भी शक्कर निकलेंगे। इसमें एक्चुअली मैंने पिटूनिया लगाए थे, तो पिटूनिया मैंने ये निकाल दिए, एक आधी रहने दे रही हूँ, ये निकाल दे रही क्योंकि पुराना भी हो गया है। पूरी मेरे तो इसमें पूरे गर्मियों में मैंने खूब ढेर सारे प्लांट्स लिए हैं, फूल लिए हैं इसके, देखे हैं दुनिया के। तो इसमें ये मेरी होममेड केचुआ खाद है जो किचन वेस्ट बनी हुई है, और गोबर की खाद ये डालूंगी, और ये राख डालूंगी थोड़ी सी, जिससे ये कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह मिलता रहा इसमें, है ना। तो ये मैं
इसमें खाद वाद सब डाल के पहले इसकी ऐसे खूब अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लूँगी चारों तरफ से। गुड़ाई करने के बाद में फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी। खुरपी लेकर नहीं आई हूँ तो चलो कोई नहीं। इसमें तो सीड्स भी आए हैं काफ़ी, ये सारे सीड्स ही हैं, ये सब सीड्स हैं, ये सारे सीड्स हैं इसके बुरबीने के। तो ये बीड्स अगर ऐसी निकल आई हैं ऐसे हों तो आप निकाल दो, नहीं सारी एनर्जी खींचते रहेंगे। ये ऊपर थे तो मैं देख ही नहीं पाई नहीं क्या। चलो बहुत ऊँचाई भी थे, मैं इसे खींच भी नहीं सकती थी ना। ये देखो ये अलग ही हो गया, चलो अलग ही लगा दूँगी इसे। इसमें सब में खाद डाल के रेडी कर दूँ। चलो मिट्टी भुरभुरी है तो हाथों से ही हो गई। ज़्यादा नहीं डालनी है, एक एक मुट्ठी ही डालेंगे ऐसे करके। एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी ये और एक मुट्ठी ये वाली खाद, ये ऐसे कि छोटे छोटे तो पॉट हैं ये है, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। और इसमें ये एक मुट्ठी से कम, एक चम्मच के लगभग होगी ये घिराक। इसे स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी इसे। इसमें मैं सरसों खली का लिक्विड वगैरह भी डालती रहती हूँ, मतलब जो भी लिक्विड सब मैं डालती हूँ वो भी वो इसी में इसमें भी डालती हूँ। अच्छे से मिला के इसमें पानी लगा देंगे, इसे खाद भी मिल जाएगी और पानी भी। पानी तो अभी लगा के चुकी थी। देखो ये अच्छे खासा ये खूब अच्छे से यहाँ से ये रूट्स बन गई है इसमें। मुझे तो यार ये सेल्फ लेयरिंग हो गई। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।